मिस्टर सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो, कैसा मुसलमान है? हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाई से रुस्वाई पैगंबर हैं, ये कैसा उम्मती है? हमारी हाल ये कि वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज का मुसलमान कि उस मगरब के पीछे लग गया, यहाँ की औरत वहां चली जाती है, हिंदुओं में काफिरों में, वो कहती है इस्लाम से मेरा ताल्लुक नहीं, मुसलमानों में रह के वहां जाती है और फिर कहती है कि मेरा इस्लाम से ताल्लुक कोई नहीं, वो इश्क मशूकी में। ये सोशल मीडिया भी एक अजाब है, ये मोबाइल भी अजाब है, इन बदकारियों ने, इन बुराइयों ने यहां से इस्लाम से निकाल के पहुंचा दिया कुफर में। वो कहती है मेरे इस्लाम से ताल्लुक कोई नहीं, तेरा इस्लाम से ताल्लुक कोई नहीं, तू इस्लाम से निकल जाए तेरे जैसे हजारों नाफरमान हो जाए, अल्लाह की बादशाहत में भला कमी आ सकती है? नहीं आ सकती। हदीस में आता है, हदीस कुदसी है कि सारे इंसान अल्लाह के नाफरमान हो जाए, पानी के अंदर सुई का नाका डुबो दो तो जितनी उस दरिया के अंदर से पानी जो लग जाएगा सुई के साथ, अल्लाह की बादशाहत में इतनी कमी भी नहीं आएगी, और सभी अल्लाह के फरमा बरदार हो जाए, मुत्तकी हो जाए, अल्लाह की बादशाहत में इजाफा भी नहीं कर सकते तुम। तो तुम ये ना समझो तुम्हारे आने या जाने से इस्लाम को फायदा होगा या नुकसान होगा। इस्लाम ये तुमसे बेनियाज है, दीन ये तुमसे बेनियाज है, ये दीन तुम इसकी हिफाजत करो ना करो, अल्लाह इसके मुहाफिज है। ये कुरान तुम इसकी हिफाजत करो ना करो, अल्लाह इसके मुहाफिज है।